नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक परीक्षा प्लस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है जीएस की क्लास चलेगी, जिसमें मैं हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और हिस्ट्री में पढ़ाने से पहले उसके बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री के पोर्शन से एग्ज़ाम में किस किस एग्ज़ाम में कितना वेटेज उसका होता है, ठीक है। उसके क्योंकि तीन पोर्शन है, हमें ऐसा नहीं है कि सभी को उठा के मतलब शुरू किया एंशिएंट से और आपका पूरा का पूरा मॉडर्न पढ़ते एंशिएंट पूरा पढ़ा, मिडिवल पढ़ा, फिर मॉडर्न पढ़ा। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का वेटेज कहाँ से ज़्यादा है, किसे हमें पढ़ना है, ठीक है। वैसे पढ़ने के लिए तो ये बहुत है, कम से कम 3 महीना तक सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ सकते हो। स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर जिसके तहत आपको मिल रहा है, जिस कोर्स के तहत मिल रहा है, उसके बारे में कुछ मैं बता दे रहा हूँ। ये 10+ कोर्स के तहत आपको लेक्चर दिया जा रहा है, जिसमें आपको सभी वीडियो जितने भी मिल रहे हैं वो सभी निःशुल्क हैं, कोई भी आपको कॉस्ट पे नहीं करना है। बस इस लेक्चर के अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं, नोट्स किस लिए, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना हो, जब एग्ज़ाम आपका करीब आए, तो एटलीस्ट आपके पास अच्छे नोट्स हों जिसको रिवाइज करके आप कब समय में जाके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आप वीडियो तो लास्ट मोमेंट में देख नहीं सकते हो, क्योंकि सभी कम से कम वीडियो जो होंगे 45 मिनट के होंगे, और इतने वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होगा लास्ट मोमेंट में। तो पॉसिबल वही होता है नोट्स, कि नोट्स आप लास्ट मोमेंट में एक बार देख लो और सीधे एग्जाम में चले जाओ। तो उस नोट्स को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा कॉस्ट है आपको पे करना पड़ेगा, वो 499 रुपये, वो भी कितने 3 महीने के लिए, ठीक। 3 महीने के लिए आपको जितनी भी क्लासेस होंगी उसके सभी PDF आपको दी जाएंगी। चलिए आगे, चलिए तो देख लेते हैं हम पहले क्वेश्चन का कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है एग्जाम में हिस्ट्री का। तो हम हिस्ट्री का देखते हैं, हिस्ट्री आपका 3 पोर्शन है, ठीक। आपका क्या है, पहला एंशिएंट है, उसके बाद से दूसरा आपका जो पोर्शन है वो क्या है, मेडिवल है, और थर्ड जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला हर एक एग्जाम में कौन सा भाई, मॉडर्न इंडिया है। इसी से हर जगह मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। बात कर लें एग्जाम की, तो पहले अगर हम देखें सिविल सर्विसेज में UPPCS को टारगेट करें, तो इसमें हर साल आपसे 23 से लेकर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री से, जिसमें से आपका 50% क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से होता है, 30% मेडिवल से होता है, और 20% जो होता है आपका एंशिएंट से होता है। अगर बात करें दूसरे आयोग की, जैसे हम UP SSC की बात करें, कि UP SSC अपने जो डिफरेंट एग्ज़ाम कराती है उसमें GS के पोर्शन में इसका कितना वेटेज होता है, तो हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिला के पूछा जाता है, ठीक। तो ये 7 से 8 क्वेश्चन में भी आपका 50% जो कवर होता है वो कहाँ से कवर होता है, वो मॉडर्न इंडिया से ही कवर होता है, ठीक है। बाकी आपके जो क्वेश्चन बचते हैं 7 से 8, मतलब 4 क्वेश्चन मॉडर्न से बचे, जो 4 क्वेश्चन में डिपेंड करता है, कभी एंशिएंट आ जाता है तो कभी नहीं आता है, तो 2-2 क्वेश्चन दोनों से, मान लो कि 2 क्वेश्चन मेडिवल और 2 क्वेश्चन आपका किसका एंशिएंट से पूछ लिया जाता है, ठीक। तो हम जब शुरुआत करेंगे जो हिस्ट्री की, वो कहाँ से करेंगे, हम मेडिवल से शुरू करेंगे, फिर मॉडर्न पे जाएंगे, फिर एंशिएंट पढ़ेंगे, ठीक। तो जो वो भी कैसे पढ़ेंगे, कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से नहीं पूछता, क्या पढ़ने की जरूरत है क्या नहीं। ऐसे पढ़ने बैठ जाओगे तो कभी खत्म भी नहीं होगा और एग्जाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप उसे 1-2 बार रिवाइज कर लो, कहाँ से क्वेश्चन आता है उसे बार बार देखो, ताकि आपको चीजें कभी भूले ना, ठीक। जो ये भूलने वाले बार बार कहते रहते हो कि भूल जाती है चीजें, तो वो भूलेगी नहीं, जब एक सीक्वेंस में जाओगे एक पढ़ते हुए तब भूलेगी नहीं। तो हमें मेडिवल शुरू करना है, तो मेडिवल में हम देख लेते हैं, मेडिवल में शुरू करेंगे हम दिल्ली सल्तनत, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है वो दिल्ली सल्तनत से बनता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है भाई, बोलते रहो, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड याद रख लो। वैसे पूछता है, ये कूट में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, 1206 से 1526 पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ था 1526 में, वहां तक है आपका। दिल्ली सल्तनत में आपका पहला जो वंश आता है वो कौन सा आता है, वो गुलाम वंश आता है, ठीक है, गुलाम वंश आता है। ये कहाँ से कब तक रहता है, 1206 से लेके 1290 तक इसका जो है टाइम पीरियड है।
तो अब हम गुलाम वंश जो हम बात किए आपसे दिल्ली सल्तनत, इस दिल्ली सल्तनत हो चाहे मेडिवल में चाहे आपका मुगल एम्पायर हो, मेनली फोकस किस किस पॉइंट पे होना है वो ध्यान रखो। फोकस आपको होना है उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लिटरेचर पे, उसके आर्किटेक्चर पे, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आपका अब जो बन रहा है वो इसी पॉइंट पे बन रहा है कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उसमें लिटरेचर कैसा था, आर्किटेक्चर मतलब क्या क्या उन लोगों जो भी वंश आए, जो भी आपका दिल्ली सल्तनत में चाहे मुगल में जो भी राज किए जो लोग, वो उन्होंने क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाया, क्या क्या लिटरेचर उनके ऊपर डिपेंड है, वो सभी चीजें यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसके पढ़ने से पहले, हम गुलाम वंश को पढ़ने से पहले एटलीस्ट हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि गुलाम वंश आया कैसे, इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, गुलाम वंश भाई कहां से टपक पड़ा। तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे कब चलना पड़ेगा, ये तो हम 1206 से पे हैं जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, हमें चलना पड़ेगा कहां 711 से 712 के बीच में। इस समय क्या हुआ था भाई, अरब इन्वेजन हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। कहां हुआ था, हमारे इंडिया में पहली बार मुस्लिमों द्वारा आक्रमण किया गया था, पहला अरब इन्वेजन हुआ। कहां हुआ ये भी आपके जो हमें क्वेश्चन उठेगा, तो ये कहां पे अरब आक्रमण हुआ था, ये सिंध राज पे हुआ था। और सिंध राज पे हुआ था इसका मतलब ये जिस जहां हुआ वह राज था, तो यहाँ के राजा भी रहे होंगे। तो राजा कौन था यहाँ पे, वो थे दाहिर, जो ब्राह्मण वंश के एक राजा थे, ठीक। तो ऐसा तो नहीं था कि आक्रमण कौन किया, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया, एक क्वेश्चन एक नंबर का बन गया कि आपका पहला जो अरब इन्वेजन हुआ, अरबों द्वारा आक्रमण हुआ, वो कब हुआ, 712 में 11 में आपका ये मतभेद है, मतलब यहाँ जो आएगा आपका डेट वो 712 पूरी तरह से सिंध पूरा जीता कब गया था, 712 में जीता गया था। तो ये हो गया आपका। उसके बाद से मेन ये है कि आक्रमण किया कौन, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, जो आक्रमण करने वाला था वो पहला मुस्लिम कौन था, सफल आक्रमण करने वाला, मोहम्मद बिन कासिम। और किस पे किया था, आपको मैंने बता दिया, दाहिर पे आक्रमण किया था इसने। तो ऐसा तो था नहीं कि सपना आया मोहम्मद बिन कासिम को कि चलो भाई भारत पे हम आक्रमण करते हैं सिंध पे, कुछ रीजन रहा होगा। क्या रीजन रहा होगा मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने का, उसे हम देखते हैं। तो थोड़ा सा हम और पीछे चलेंगे इसके रीजन को डिटेल के बारे में जानने के लिए, ठीक। मैं आपको वहां वहां पॉइंट कर दूंगा जहां जहां से क्वेश्चन आता है, वहां नहीं पॉइंट करूंगा जहां से क्वेश्चन नहीं आता है। बस मैं इस मोहम्मद बिन कासिम का मेन मकसद बता रहा हूं कि क्यों आक्रमण किया, क्या कारण था, उससे थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। वो हम जब चलेंगे पीछे आपका 570 के समय, ठीक, 570 के समय। इस समय क्या हुआ था कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना किया था, जो है इस्लाम धर्म इन्होंने लाया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 याद रखो, इस्लाम धर्म की स्थापना किया था इन्होंने। इनको 610 या 11 के आसपास एक हीरा नामर पहाड़ी पे ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई आप साधारण बंदे नहीं हो, आप खुदा के द्वारा भेजे गए एक बंदे हो, जहां पे खुदा के इस धरती पे प्रचार प्रसार करना है। उसी के बाद ये 622 के अप्रोक्स ये मक्का में इनका जन्म हुआ था, वहां से वो मदीना चले गए और ये इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। बाद में इनका क्या होता है, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद अब वहां पे एक असमंजस खड़ा हो जाता है कि भाई अब मोहम्मद साहब तो रहे नहीं, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा, ठीक। इसी पे वहां के लोगों ने एक पोस्ट जनरेट करते हैं कि भाई इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कोई तो होना चाहिए, वो चाहे इनके फॉलोअर में से कोई हो, चाहे इनके सके संबंधी में से कोई हो, उन्हीं को एक पोस्ट दिया जाए और उनका दायित्व रहे कि वो इस्लाम को प्रचार प्रसार करें, इस धर्म को बढ़ाएं। तो उसी के क्षेत्र में 636 की बात है, एक खलीफा पोस्ट जनरेट किया गया, ठीक है, ये खलीफा पोस्ट जनरेट किया गया। इससे आप लोग काफ़ी जब फेमस हो गए, कब, जब मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जब ये खलीफा कब आता है, जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अंग्रेज बोलते हैं कि भैया इंडिया वालों से कि आप लोग सपोर्ट करिए, तो उसमें मुस्लिम भी आपके सपोर्ट होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अब बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप सपोर्ट करिए, हम टर्की के जो आपके खलीफा हैं तुर्की के,
उसको एक खलीफा का हम पोस्ट जाने नहीं देंगे, ठीक है, उन्हें हम बचा के रखेंगे। तो इससे क्या करती है, पूरा इंडिया उनको सपोर्ट करती है, मगर बाद में क्या होता है, जैसे वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो वो क्या करते हैं, अंग्रेज तुर्की के जो खलीफा होते हैं उनको हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करने के वजह से यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, खिलाफत मूवमेंट, आपने पढ़ा होगा, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है। उसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों हो जाता है शुरू, वो मैं बता दूं क्यों होता है, क्योंकि ये जो खलीफा थे वो क्या थे, रिलीजियस पर्सन थे, क्योंकि इनको इस्लाम का प्रचार करना था, ठीक, इनके पास रिलीजियस पावर था। तो जब वो हट जाएगा खलीफा तो उनको रिलीजन को धक्का पहुंचेगा, इसी वजह से वो खिलाफत मूवमेंट उन लोगों ने चालू किया था 1919 में। बाकी का हम डिटेल मॉडल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ आ जाते हैं, ये खलीफा जो बनता है पहले रिलीजियस के लिए बनता है कि आपको रिलीजन को जो है बढ़ावा देना है, इस्लाम धर्म को। फिर बाद में ये जो खलीफा का पोस्ट होता है आपका, धीरे 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 राजनीति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फैक्ट बेसिस पे कि पहले खलीफा कौन बने थे, तो पहले खलीफा जो बने थे वो थे अबू बकर बने थे, ठीक है। कौन बना था, अबू बकर बना था पहला खलीफा। उसके बाद से जो दूसरा खलीफा बना वो था उमर, खलीफा उमर बने। धीरे धीरे ये प्रोसेस आपका चालू रहता है, एक खलीफा आता है, दूसरा जाता है, आता जाता रहता है, उसी में जो होता है मतभेद होता है और इसी में सियाह और सुन्नी का जन्म होता है। तो ये सब चीजें हैं, मैं धर्म जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा सियाह सुन्नी के बारे में डिटेल में पूरा, जब इस्लाम धर्म में पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ नहीं उतना जिक्र करूंगा, सिंपल से मैं बता दूं कि फिर मतभेद होते चला जाता है। तो वह अब खलीफा जो बनता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वंशानुगत वह पद हो जाता है। जब वंशानुगत पद हो जाता है तो अब वो राजनीति में चला आता है, राजनीति करने लगता है, ठीक। इसकी अगर हम मैं रिलेट करूं तो वैदिक काल से अगर मैं रिलेट करूं एंशियंट में, तो भाई वैदिक काल में क्या होता था, तो ऋग्वेद में वहां पे जो राजा चुना जाता था वो जनता के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। जब जनता के द्वारा चुना जाता था तो अपने साम्राज्य को विस्तार के लेकर इतना चिंता नहीं रहता था, उसको चिंता सिर्फ कहां आती थी, सिर्फ जनता की होती थी कि भैया अगर हम जनता को फुलफिलमेंट कर लेंगे, उसके जो आवश्यकताएं हैं उसको हम दे देंगे, तभी हम अगली बार यहाँ चुने जाएंगे। मगर जब ये धीरे धीरे बढ़ता गया, उत्तर वैदिक काल में हम जब आ गए तो ये जो पद था ना राजा वाला, ये वंशानुगत हो गया। तो उस समय उसे इसकी फिक्र नहीं रहती थी कि मुझे जनता को, जनता द्वारा मुझे चुना जाना, वो तो जानता था कि हमारे बाप दादा से मिली है ये राजा का पद और हम ही राजा बनेंगे, तो वो अपना साम्राज्य विस्तार करने में लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ, जब ये वंशानुगत हो गया खलीफा का पोस्ट, तो अब इनके पास, बोल तो रहे अब ये लोग धार्मिक कम राजनीति ज्यादा करने लगे, मतलब इनके पास एक और पावर आ गई, वो थी क्या, पॉलिटिकल पावर। अब ये अपने साम्राज्य को विकसित करेंगे भाई, अब यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी युद्ध की, ठीक है। तो यही का कारण बनता है हमारा भारत भी इसके चपेट में आ जाता है। मैं पॉलिटिकल क्यों, कि जब ये राजनीति करेंगे, अपने साम्राज्य को विस्तार करेंगे और अपने धर्म को विस्तार करेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश में जाएंगे, तो उस जाएंगे वहां पे आक्रमण करेंगे, वहां कहेंगे भैया आप इस्लाम धर्म अपनाइए। और अपने साम्राज्य का विस्तार का मतलब ये नहीं, अपना डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि हमें कहीं ना कहीं पैसा चाहिए अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, तो पैसा चाहिए तो हम किसी और से लेंगे। अब भाई मांगने पर नहीं देगा तो जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती मतलब क्या कि हम युद्ध करेंगे उससे। तो यही अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए ये लोग हर देश पे आक्रमण करते हैं। उसी समय हम भी चपेट में आते हैं इनके, कि ये लोग धन लूटने के लिए, कि हमें धन मिले हम अपना पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग करें, तो उसी में ये लोग आते हैं। तो ये बात करते हैं हम 711 की, ठीक है। 711 में ये लोग काफी जगह तक जो है कब्जा कर लिए थे, ईरान हो गया आपका, सीरिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ आपका पूरा का पूरा इनका कब्जा हो गया था, ठीक। इन्होंने अपना धर्म प्रचार प्रसार कर लिया था। उसी समय की बात है, 711 में एक खलीफा होते हैं, क्या नाम होता है उनका, भाई वाजिद अली होता है, वाजिद अली। इन्हीं के समय काल में हमारे भारत पे आक्रमण होता है, ठीक है। इन्हीं के एक गवर्नर होते हैं जो सब कुछ देखते हैं, सैन्य कार्रवाई, वही हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है गवर्नर, क्या नाम था उनका, मंसूर हजाज नाम था, मंसूर हजाज। और मंसूर हजाज का ही दामाद जो होता है वो कौन होता है, वो होता है मोहम्मद बिन
कासिम जो भारत पे आक्रमण किया था पहली बार, ठीक है, ये याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये सब पॉइंट देखो, नोट्स आपको मिलेगा, ये ना देखना कि तुम लोग सुनना मत कहानी, ये सब नोट करने में लगे रहना। नोट्स में सब कुछ लिखा है, मैं दिखाऊंगा नोट्स, उसमें सब कुछ लिखा है, बस आप लोग ये पॉइंट देखते जाओ कि मैं क्या क्या बता रहा हूं, मेन मेन, ठीक। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है आपका, इनका दामाद होता है। अब रीजन क्या था कि मोहम्मद बिन कासिम को इसने भेजा, रीजन तो मैंने एक बता दिया कि आपका पॉलिटिकल पावर था धन लूटना, तो धन लूटने में ही है ये। तो मंसूर है, कई आक्रमण हुए, मगर भारत पे कई आक्रमण हुए वो तब तक फेल होते रहे, मगर मोहम्मद बिन कासिम जब करता है तो ये सफल हो जाता है। कुछ लोग इसे और तरीके से पेश करते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम क्यों आक्रमण किया, एक तो मैंने बता दिया रीजन कि आपका धन लूटने के लिए, दूसरे रीजन पे हम आते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों आक्रमण किया। तो कहानी एक ऐसी है, सिंपल सुन लो, उसके बाद मैं डायग्राम से आपको बता दूंगा। कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये आक्रमण वाली नीति ये लोग अपनाए थे भाई, कि हमें सभी देश पे आक्रमण करना है, वहां इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और वहां से जो हमें मिलेगा धन दौलत हम अपने साम्राज्य को विस्तार करेंगे, ठीक। तो वो क्या हुआ, उसी सिलसिले में भैया श्रीलंका वाला पहले डर गया, कहा कि पता चले यहाँ आ जाए, जो भी दो रोटी खा रहे हैं वो भी छीन के लेके चला जाए। तो उसने क्या किया, जो खलीफा था, मैंने बोला 711 में कौन था खलीफा भाई, वाजिद अली। तो वाजिद अली के लिए 8-9-10 नाव भर के, पूरा बड़ी बड़ी नाव, पूरा गिफ्ट भर के, सोने चांदी हर कुछ जितना उससे हो सका था, ठीक, सब कुछ भर के उसने भेज दिया, ठीक। वो नाव गई, जाते जाते वो सिंध के पास से गुजरती थी, ईरान के पास से, बगदाद, उमैद वंश के खलीफा थे ये, जो वो खलीफा का पोस्ट था, बाद में दो उसमें वंश में बट गया, उमैद वंश हो गया, एक अब्बासी वंश हो गया। तो उमैद वंश के पर ये खलीफा थे, कौन थे, वाजिद अली। तो उसी में जाते जाते इनके लिए जो गिफ्ट जा रहा था, तो देवल बंदरगाह पड़ता है सिंध में, वहीं पे सिंध में समुद्री लुटेरों ने, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखे होगे, तो मूवी देखो भाई, मूवी में बहुत इंटरेस्ट आता है, वैसे ही इंटरेस्ट इस पूरे मेडिवल हिस्ट्री में है। तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जैसे लुटेरे होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे देवल में बंदरगाह पे लुटेरे थे, पूरी की पूरी नाव ये सफा चट कर देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। अब जो खलीफा के लिए गिफ्ट जा रहा था भाई, उसमें पता चला किसको, गवर्नर को, क्योंकि सब कुछ पहले गवर्नर के थ्रू जाएगा, मेन इंफॉर्मेशन कहां, खलीफा को। तो जब ये पता चलता है तो मंसूर हजाज दाहिर से बोलता है, क्योंकि उनके क्षेत्र में ये सब लूटपाट हुई थी, कि भैया दाहिर देख लो कि ये क्या क्या हो गया है, इस पे कार्रवाई करो कुछ। तो दाहिर ने साफ साफ मना कर दिया कि देखो भैया ये सब क्षेत्र हमारे के अंतर्गत नहीं आता है, आता भी था वो बोले कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारा उन पे कोई लुटेरों पर कोई वश नहीं है। तो मंसूर हजाज इससे काफी नाराज हुआ, कहा भैया तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, और उन्हीं पर नहीं करेंगे, हम तुम्हारे पर भी कुछ करेंगे, ठीक है। इस गुस्सा से खुन्नस खा के वो जाता है और दो लोगों को, अपने सिपाहियों को भेजता है, जिसका नाम था उबैदुल्ला और बुदैल। दोनों लोग 711 में आते हैं और वही सिंध क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं, मगर वो विफल हो जाते हैं, ठीक है, वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो फिर मंसूर हजाज को लगता है यार इतनी बार लड़ाई हुआ, कहीं हम जीते नहीं, क्या हो रहा है। तो ऐसे ही एक दिन गम में डूबा डूबा, ठीक है, जो मदिरा पान कर रहा था, तभी उसका दामाद वहां आता है, मोहम्मद बिन कासिम, मैंने आपको बताया, पूछता है भैया काहे इतना दुखी हो, क्या हो गया है, क्या लूट गया है। तो उसने पूरी कहानी फिर से उसको बताता है, और वो भी जब दो पैक मार लिया, तो वो जानते हो कि पैक मारने के बाद आदमी क्या हो जाता है, शेर बन जाता है। तो जब आदमी शेर बन जाता है तो उसे अता पता नहीं रहता है हम क्या बोल गए, ठीक। तो वो भी बोल देता है ऐसा करो कि अब हमें भेजो कि हम उनसे निपट लेंगे, कि वो कहाँ के हैं, कैसा राजा है, हम देख लेंगे, ठीक। तो मंसूर हजाज जो कहता है ठीक है भैया तुम ही जाओ, तुम ही देख लो उन्हें। तो मंसूर हजाज इनको मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है दाहिर पे आक्रमण करने के लिए, ठीक, कि आप जाइए पूरी की पूरी सेना लेके। ये पहुंचते हैं कहाँ, वहीं पहुंचते हैं जहां लुटेरों ने इनकी जहाज लूटी थी, देवल बंदरगाह पे। तो पहला आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम करता है सिंध के क्षेत्र पे, वो देवल पे ही करता है। तो हम उसे, चलिए अभी हम डायग्राम से उसे देखते हैं कि वो कहाँ से आया, किस किस जगह पे आक्रमण किया डिटेल में। देखिए ये फिगर, मैं जूम कर देता हूं इसे, ये कैलिफेट लिखा है, मतलब ये खलीफा है,
खलीफा का पूरा ये साम्राज्य था, ये ईरान आपका है, यहीं से बगदाद, यहीं से वो मंसूर हजाज पूरा ये सब देख रहा था, यहीं से आपका मोहम्मद बिन कासिम आता है, और यहाँ आपका क्या है क्षेत्र है, ये देवल बंदरगाह है, ये श्रीलंका से इसकी जहाज आई थी और यहीं पे लुटेरों ने लूट लिया था, ठीक, वो भी एक कारण लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला आक्रमण करता है देवल पे, देवल पे जब आक्रमण करता है तो दाहिर की अदूरदृष्टता की मतलब वो अपने सोचता था कि यार 17 साल का है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई करेगा वापस चला जाएगा, जीत थोड़ी पाएगा, उसे अपने पावर पे कॉन्फिडेंस था और इसे अपने पावर पे कॉन्फिडेंस था। इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ जब लड़ाई होती है तो वो अपने सेना को दाहिर भेजता नहीं है, ये जो यहाँ पे देवल का जो दुर्ग था वो उसके भतीजे के हाथ में था, और भतीजा क्या पड़ता है, हाथ खड़ा कर देता है, भाई हार जाता है देवल का दुर्ग। अब जैसे ही हार जाता है तो दाहिर तभी भी कहता है चलो छोटा सा लड़का था हमारा भतीजा था वो हार गया, उससे कौन सी बड़ी बात है, अभी तो बहुत से हैं, देख लेंगे उन्हें आते आते। और अब थोड़ा सा भी दाहिर इस बारे में चिंता किया होता तो यहाँ से अपनी सेना के साथ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस राजा था, तो ये नौबत नहीं आई होती आक्रमण की। अब देखते हैं कि कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ आक्रमण करता हुआ, कहाँ कहाँ बढ़ा, कुछ मैं पॉइंट से आपको बता देता हूँ ग्राफ से, कि ये देखिए फिगर से, कि पहले मेन, बाकी तो बहुत जगह आक्रमण किया, मेन कहाँ कहाँ किया ये देखिए, देवल है, ब्राह्मणाबाद है, रावौर है, मुल्तान, ये लास्ट समय यहाँ पे ही इसने आक्रमण किया था, ब्राह्मणाबाद में किया था, यहाँ पे किससे लड़ाई हुई थी उसकी, दाहिर के पुत्र जयसिंह से हुई थी, और रावौर में खुद दाहिर बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था, ये नहीं कि हम आके पहले इससे लड़ लें, वो वहां लड़ा और हार गया, ठीक है, उसके बाद ब्राह्मणाबाद हुआ, उसके बाद लास्ट में मुल्तान विजय हुआ था। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र दाहिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि जो दाहिर था वो क्या था, ये सब अब बोलोगे कि इन्फॉर्मेशन जो सर है ये कैसे पता चलती है कि अरब का इन्वेजन कैसे हुआ, तो जो अरब इन्वेजन हुआ था इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कहीं ना कहीं लिटरेचर से, मैंने इसीलिए बोला आपको लिटरेचर पे फोकस होना है, लिटरेचर एक से पता चलती है, वो थी कौन सी, एक चचनामा किताब थी, चचनामा इससे पता चलता है, और एक मीर मासूम द्वारा लिखी कौन सी किताब थी, मासूम ए सिंध और एक किताब थी और सेम नाम था उसी का, मासूम ए सिंध हो गया, तारीख ए सिंध दो किताब है, इसी से हमें जानकारी मिलती है, चचनामा ठीक, चचनामा से हमें मिलती है, और ये मासूमे सिंध और तारीखे सिंध से हमें ये जानकारी मिलती है कि अरबों का इन्वेजन हुआ था सिंध क्षेत्र पे। तो ये चच जो नामा है वो किस पे लिखी गई थी, तो ये चच जो थे ये कौन था, जो चच थे वो दाहिर के पिता थे, ठीक है, वही उन्होंने ही ये पूरे सिंध साम्राज्य की स्थापना की थी। इससे इसमें जो पहले सबसे जो राजा थे सिंध पे वो साहसी राम धृति थे, प्रथम थे, उसके बाद दिति बने, उसके बाद से आपके चच बने, उन्हीं को मार के चच ने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की थी। और यहाँ पे आपके सिंध में बौद्ध की थोड़ी जनसंख्या ज्यादा थी, वो क्षेत्र था एक निरून, और वहां पे एक दाहिर जो है बौद्धों से नफरत करता था, जिसके कारण जो थे बौद्ध उनके सपोर्ट नहीं किया, और निरून पे आक्रमण जब मोहम्मद बिन कासिम करता है तो वो भी क्या होता है, दाहिर का क्षेत्र जीत लेता है। तो चलिए हम देखते हैं आक्रमण का क्षेत्र इनका कहां कहां उसने आक्रमण किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि देवल बंदरगाह पे किया था उसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले 711 पे देवल पे आक्रमण किया, और यहाँ पे उस कौन था, उसका भतीजा था, वो हार गया। उसके बाद से नेरून, चाहे नेऊन, दो नाम है इसके आपके मिलेंगे अलग अलग। यहाँ क्या था कि ये अभी इस समय पाकिस्तान के वर्तमान हैदराबाद में है, ये प्लेस जो है इसमें जो दाहिर जो था या नेऊन की जो है रक्षा वो एक पुरोहित के हाथों में सौंपा था, ठीक, पुरोहित के हाथों में सौंपा था, इस वजह से वो पुरोहित भी कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको बौद्धों की संख्या ज्यादा थी, और जो किसके दाहिर के सपोर्टर नहीं थे उन्होंने कासिम का सपोर्ट कर दिया, और नेऊन कौन जीत गया, कासिम जीत गया। उसके बाद से कासिम बढ़ता है, कहाँ पहुंचता है, सेवान विजय या सिविस्तान बोल सकते हैं उसको, यहाँ पहुंचता है,
ठीक, यहाँ पे दाहिर का चचेरा भाई जो था वो माजरा वहां का शासक था, वो पहले ही देखा कि अरे दाहिर तो सब जीतते चला आया, पहले नरवसी आ गया, उसके बाद से वो भी छोड़ छाड़ के वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे वो दाहिर आपका ये कासिम बढ़ता बढ़ता सीसम पहुंचा, ठीक, जाको के पास, वहां भी उसने विजय प्राप्त कर ली और वो जो माजरा वहां से भाजपा था सिविस्तान से वो यहीं मिल गया और वहां मार दिया गया कासिम द्वारा। फिर वो बढ़ता है कहां, रावर पे, जहां दाहिर इंतजार कर रहे थे कि भैया आएंगे हम, यहीं कासिम तो यहीं से उनसे निपटेंगे। आते हैं सीसम विजय के बाद कासिम रावर पे आक्रमण होता है, दाहिर इनसे काफी लड़ते हैं, काफी घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध में आपका दाहिर मारा जाता है। मरने के बाद यहाँ पे जो आपका उनका पुत्र था जयसिंह, वो क्या करता है, जैसे दाहिर हार जाता है तुरंत वहां से भाग जाता है ब्राह्मणाबाद और अपने माँ को जो विधवा माँ हो जाती है उनसे कहता है भैया तुम ही इसकी दुर्ग की रक्षा करो, मैं जा रहा हूँ ब्राह्मणाबाद। जब देखते हैं कि मैं भी असमर्थ हूँ उनकी माँ, तो क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है, जो सती बोल सकते हो इसे, वो अग्नि में कूद कर जान दे देती है। तो ये रहा आपका पूरा रावण खत्म हो जाता है। धीरे अब आते हैं ब्राह्मणाबाद पे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसका पुत्र रहता है जयसिंह, ठीक, जयसिंह पे जैसे आक्रमण होता है वो भी लड़ता है, बाद में हार मान जाता है क्योंकि वहां के लोग कहाँ के ब्राह्मणाबाद के उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, इस वजह से वो हार जाता है। हारने के बाद काफी अपनाए मतलब साथे साथे किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की, वो क्या इस्लाम धर्म को अपना लेता है लास्ट में। तो जब सब कुछ इतना जीत लिया, जीतने के बाद यहां से फिर कहां पहुंचा वो, अरोर चाहे अलोर बोल सकते हो, वहां पहुंचा। यहां पर भी उसने आराम से विजय प्राप्त कर ली, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में जाते जाते ये पूरा मतलब सिंध पूरा क्षेत्र था, ये सिंध को इसने पूरा विजिट कर लिया। उसके बाद से मुल्तान पे आता है 713 में, इसकी लास्ट जो विजय होती है वो मुल्तान विजय है, 713 में आता है, ठीक, 713 में आता है अलोर के बाद मोहम्मद बिन कासिम, और यहां से काफी मात्रा में धन दौलत प्राप्त करता है। और जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहां से सोने चांदी उसे मिलते हैं, तो इसीलिए वो लास्ट में जाते जाते इसका नाम क्या रख जाता है, भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसका नाम रख जाता है स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगर चाहे स्वर्ण नगरी आपका नाम रख देता है इसका। अगला इसमें फिर बढ़ता है क्या कि जब यह सब कुछ जीत लेता है, जब हर जगह कासिम, तो अब सो क्षेत्र उसका हो गया, राजा वो हो गया, तो अब जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो अब जब राजा हो गया तो उसने लोगों के ऊपर एक, मैंने बताया था आपसे कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए धन दौलत तो लूट ही लिया, और एक था इस्लाम प्रचार करने के लिए, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए। तो उसी धर्म को बढ़ाने के लिए वो वहां के लोगों से बोलता है कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि आप लोग इस्लाम धर्म को अपना लो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इस्लाम नहीं अपनाते हो तो आप एक टैक्स दो मुझे यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे खेती करने के लिए, यहाँ जो भी करना है उसके लिए मुझे पैसा दो। उस पैसे को क्या बोला गया, उस पैसे को बोला गया जजिया कर बोला गया। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, तो कौन लगाया था, भाई मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किस क्षेत्र में लगाया था, सिंध क्षेत्र में लगाया था, ठीक। और किस पे ये जजिया कर नहीं लगा था, किसी किसी को रियायत दी थी मोहम्मद बिन कासिम ने, वो किसको किसको दी थी, ये भी आपसे क्वेश्चन उठाता है। तो किसको किसको दी थी रियायत, बच्चे को, अपाहिज को, जो साधु संत थे उनको, जो ब्राह्मण थे, जो महिलाएं थी उनको ये टैक्स नहीं देना था। बाकी जितने भी लोग थे चाहे वो व्यापारी हो, तो भैया या तो इस्लाम अपनाओ या तो अब मुझे पैसा दो, क्योंकि वो उसी का क्षेत्र था। तो एक तरह से वो राजा हो गया, संचालित करता था उस क्षेत्र को। तो जब संचालन होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे उसकी करेंसी भी निकलेगी, तो जब करेंसी निकलेगी तो करेंसी कौन सा चलाया था, करेंसी उसने चलाया था क्या, दिनार नामक करेंसी चलाया था, जो एक स्वर्ण मुद्रा थी, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दिनार को पहले सर्वप्रथम भारत में किसने चलाया, तो कौन चलाया, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया। उसके बाद से इसने जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ किताबें थी उसे मिला मोहम्मद बिन कासिम को, सबको उठाया, बंडल बना के ले गया और अपने यहां ले जाके उसको अरब में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है, अनुवाद करा दिया, जैसे विष्णु शर्मा की लिखी पंचतंत्र की कहानी अरबी में करा दिया। उसके बाद से आपका ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी, ठीक है, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी ब्रह्म सिद्धांत, हर्ष द्वारा लिखी खंडन खंड खाद, ये सबको क्या किया, अल्फाजरी के अल्फाजरी और यहाँ के कुछ
जो है आपके विद्वान थे उनके मदद से क्या किया, इसको अरब में कन्वर्ट करा दिया गया। उसके बाद से ये जो मैंने इसके तारीख सिंध और मासूम सिंध के बारे में जिक्र कर ही दिया था कि जिसमें हमें क्या मिलता है, अरब आक्रमण का मिलता है कि इसी के पुस्तक से हमें पता चलता है कि यहाँ पे अरब इन्वेजन हुआ था। उसके बाद से हम बढ़ते हैं यहाँ पे कासिम की मृत्यु के बारे में। तो कासिम की मृत्यु के बारे में कुछ कहानियां हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली तो ये ब्राह्मणवाद युद्ध जो मैंने आपको बताया, जहाँ जयसिंह से मोहम्मद बिन कासिम लड़ता है, वहां पर लड़ने के बाद जब जयसिंह हार जाता है तो वहां पर उसकी दाहिर की जो दूसरी बीवी होती है, दूसरी बीवी और उसके दो बेटियां, सूर्या देवी नाम था, एक परमल देवी नाम था, दोनों को मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, वो खलीफा के लिए गिफ्ट में भेजता है। तो जो वो दोनों लड़कियां थी दाहिर की, वो उनसे अपने पिता का बदला लेने के लिए कासिम से वो षड्यंत्र करती हैं। तो जब उनको खलीफा के पास भेजा गया तो उन्होंने कहा खलीफा से कि साहब, हमारे साथ जो मोहम्मद बिन कासिम ने सही बर्ताव नहीं किया है, हम आपके लायक नहीं हैं। ठीक, तो इस पे गुस्सा हो जाता है खलीफा और कहता है भैया बुलाओ तो कासिम को, और कासिम को बुलवाता है और बैल की चमड़ी उधरवा के उसी में लपटवा देता है उसको, और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ये हैं कि ये उमैद वंश के खलीफा थे वहां पे उस टाइम शुरुआत में, बाद में यहाँ पे अब्बासियों खलीफाओं का राज हो गया, जब अब्बासी खलीफाओं का राज हो गया तो वो उमैद के जितने भी द्वारा काम किया गया था उसको पसंद नहीं करते थे, तो उसने मंसूर हजाज को भी बोला जाता है मरवा दिया गया। फिर बाद में उसके द्वारा, क्योंकि वो उसी का दामाद था, तो सुलेमान नाम का एक खलीफा बना, तो वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जितने भी काम किए गए थे इसी वजह से जो अब्बासी खलीफा थे सुलेमान, उन्हें मौत की सजा दे दी, ये कहा जाता है। जो पहली कहानी थी वो चचनामा के हिसाब से थी, दूसरी कई लोग इतिहासकार ऐसे मानते रहते हैं। अब उसके बाद से ये हुआ कि भाई क्यों सिंध तक ही है अरब इन्वेजन हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम था, आपके सवाल में ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए, जब हम आगे की बात करेंगे कि उस समय जैसे ही ये अरब सिंध पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, बाकी उसके जो लोग राजस्थान में, ठीक उसके बाद से आपके जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट थे, राजस्थान में प्रतिहार थे, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे ललित आदित्य, वो काफी सचेत हो गए थे, ठीक है, कि अगर इधर आते हैं तो इनको हम पहले ही खदेड़ देंगे। तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया और 300 सालों तक फिर कोई अरब से कोई आक्रमण हमारे यहाँ नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे ये गजनी साम्राज्य बना, तो अब गजनी जो साम्राज्य जब बना तो वहां से मोहम्मद गजनवी जो है वो भारत पे आक्रमण करना शुरू करता है। उसका भी मकसद यही था, उसका भी मकसद यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करके यहाँ राज्य करना नहीं था, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत पे आक्रमण किया था, ना कि यहाँ पर राज करने के लिए किया था कि हमें धन दौलत मिले और हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें। वैसे ही एम होता है मोहम्मद गजनवी का, जब गजनी साम्राज्य बनता है उसमें हम पढ़ेंगे अलप्तगीन को, सुबुक्तगीन को, उसके बाद से हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी को जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। फिर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे गोरी साम्राज्य पे, गोरी से मोहम्मद गोरी आएंगे, और मोहम्मद गोरी का जो एम होता है वो भारत पे आक्रमण करने का, उसका मेन मकसद यही होता है कि हम यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाएंगे और यहाँ पे हम राज करेंगे। ठीक, तो वहीं से जो है आप बोल सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे हमारा मुस्लिम शासक जो है शुरुआत हो जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी हमने अरब इन्वेजन के बारे में पढ़ा, अब हम अगले लेक्चर में अपने सेशन में शुरू करेंगे तुर्क आक्रमण, जिसमें हम पूरा का पूरा तुर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से तुर्क जो पूरा आक्रमण पढ़ लेंगे तब हम दिल्ली सल्तनत, ठीक, क्योंकि ये सभी उसी से रिलेटेड है, तब हम दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ेंगे। तो जितने लोग भी हो सभी लोग चैनल को लाइक कर लो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद।